अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमे का समोसा। तो इसलिए मैंने ली हूँ इधर, देखो पाव किलो कीमा ली जिसे मैं धो के छलनी में रखी हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ सूखे मसाले ली हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर कुटा हुआ भुना हुआ, और हल्दी पाउडर, एक आधा चम्मच नमक, एक चम्मच मिर्ची पाउडर और छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो ये सब मैं, ये अभी थोड़ा कांदा लाल होएगा तो मैं इसके अंदर आपको डाल के और भून के समोसा बनाते हुए बताऊंगी, ठीक है? तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, जो कांदे के साथ ये भी भून जाएगा। फिर इसके बाद में कीमा डालती हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखो मैंने कीमा डाली हूँ, कीमे की शक्ल देख रहे वाइट हो रहा है, इसे हम थोड़ा पकने देंगे। और उसके बाद जो सूखे मसाले वो भी डाल के थोड़ा भूनेंगे। जब अच्छे से भूनेंगे तो हमारा समोसा भी अच्छा बनेगा। तो मैं आपको समोसा लपेटना और बनाना बताते रहूँगी। तो ये देखो इसमें मैं मसाला डाली हूँ और इसको थोड़ा भूनूंगी, फिर थोड़ा पानी डाल के मैं पकाती हूँ, तो मैं आपको बताते रहूँगी। तो देखो इसमें मैंने थोड़ी कोथिंबीर भी डाली हूँ, और देखो मैंने अच्छे से भूनी हूँ इसको। अब ये सूख जाएगा, इसको ठंडा करके फिर मैं आपको समोसा बनाना बताते। ऐसा तो आप सबको ही आता होगा, ऐसा नहीं कि कोई नहीं। मैं रेडीमेड समोसा लाई थी मॉल से, तो उसी का बना रही हूँ मैं, घर में मैदे का नहीं बना रही। तो मैं आपको फोल्ड करना बता सकती हूँ, ठीक है? तो ये देखो इस तरह से ये सूख गया है। और अब मैं करूँगी गैस को बंद और फिर बनाऊँगी मैं समोसा। तो समोसा तो हर किसी को आता ही है, क्यों गैस ऑफ। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी ना तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर लेना, और कमेंट में जरूर जरूर लिखेंगा। मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आपको और भेजते रहूँगी। तो मिलती हूँ समोसा बना के बताती हूँ। ये जो पट्टी है मैंने मॉल से लेके आई थी, और ये मैं डाल रही हूँ मसाला चीज़ें ना, ये चीज़ डाल रही हूँ। अगर आपको डालना है तो स्किप करें, ये मेरा बैटर है। और यह मैंने देखो आटे का गोल बने, तो ये पट्टी को हम इस तरह मोड़ेंगे। ऐसा तो दो तरफ के बनता है, ऐसा भी बनता है, लेकिन मैं वो आज बता रही हूँ तुमको, ऐसा मैं दूसरा बनाती हूँ। तो इसको इस तरह लिए और इसके अंदर हम बैटर डालेंगे। तो देखो इस तरह मैं इसके अंदर बैटर भरी हूँ, तो आप भी भरे। फिर देखो इसको है ना इस तरह आटे का एलई लगाइए, और इसको पहले इसे चिपका दीजिए, फिर इसको इस तरह लगा। और है ना जब निकाले तो जल्दी लगा कर देना, क्योंकि ये सूख बहुत जल्दी जाता है। तो इस तरह से इसको मोड़ दीजिए, देखा? देख माशाल्लाह। अब मैं दूसरा भी एक बताती हूँ, ये इस तरह मोड़े। अब हम दूसरी तरह मोड़ेंगे, इसको इस तरह रखे ना, इसको इस तरह रखे, इसको मोड़ेंगे, उसको नहीं मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे। तो ये इसको मोड़े हमने, और इसके अंदर ये बैटर भरेंगे, इस तरह भरेंगे। तो ये उसमें मैंने चीज़ नहीं डाली, भूल गई थी, तो इसके अंदर मैं ये थोड़ा चीज़ डालूँगी, है ना? और इसको फिर इस तरह से दबाएंगे, थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करना, एकदम भारी नहीं करना, नहीं तो निकल जाएगा पूरा। इस तरह से इसको आप मोड़ के देखिए, वैसी पट्टी बनती है, लेकिन ये भी थोड़ी आसानी से ही बनती है। तो इस तरह हमारा ये चीज़ वाला हो गया, देखो माशाल्लाह से। तो मैं आपको पूरा बना के अब बताती हूँ। देखो ये मैंने समोसे पूरे बना के रखे हूँ अच्छे से, माशाल्लाह देख रहे हैं ना कितना अच्छा मैंने सेप दी, अच्छा मस्त एकदम, देखो मस्त एकदम अच्छी से इसमें बनाई हूँ। देख देखिए ऐसे ही बनाना आप लोग भी। और अब मैं इसको आपको तल के बताऊँगी तो किस तरह मेरा समोसा बनता है। मैंने गरम तेल करी हूँ, और देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह डाल देने का। अब ये पकेगा तो मैं आपको बता दूँ। तो देखो इस तरह से मेरा ये समोसा हो गया है माशाल्लाह से, देखो आप ज़रूर ट्राई करेंगे, देख रहे हैं कैसा मस्त एकदम बना है। हाँ देखो 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 देखिए कीमा वगैरह सब मस्त एकदम है, आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मुझे लाइक जरूर करना, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और माशाल्लाह से मेरे सभी तारीफ सजा हुआ है, घर में ज़रूर ट्राई करना।
और मुझे सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़ प्लीज़। चल अल्लाह हाफिज़, मिलती है फिर अच्छी और नई रेसिपी के साथ।